अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को डिस्कस किया था डिटेल में। आज ये हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के साथ ही यूनिट नंबर 6 जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। दो यूनिट रह जाएंगे और उनको हम लोग जो है वो जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के साथ। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजंस बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एविडेंस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस, सोशल साइंसेज एंड मोर। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज किया जाता है। व्हाट इज न्यूमेरिकल डेटा? न्यूमेरिकल डेटा जो है वो नंबर्स के साथ डील करता है। उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा? स्टैटिस्टिकल या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को लेके लिया जाएगा, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिलेशनशिप्स देखे जाएंगे किसी एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के साथ, उनके ट्रेंड्स को देखा जाएगा और उनमें न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में ये है कि आपके पास जो डेटा है वो रॉ फॉर्म में है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है उस डेटा की, जब तक उस डेटा को हमने एक कंप्रिहेंसिव कंक्लूजन या स्टैटिस्टिकल एविडेंस के बाद उसको हमने इंफॉर्मेशन की बेस में कन्वर्ट नहीं किया। अब क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है उनको देख लेते हैं। डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपने डेटा को कलेक्ट किया और आपने प्रिपेयर किया। व्हेन यू हैव टू डेवलप योर टूल, यू हैव कलेक्टेड योर डेटा, तो उसके बाद आपने क्या किया कि वो जो डेटा कलेक्टेड है न्यूमेरिकल फॉर्म में आप डिफरेंट सोर्सेस जो आपने लिया, आइदर दे आर सर्वेस, आइदर दे आर एक्सपेरिमेंट्स, आइदर दे आर ऑब्जर्वेशन शीट्स, आइदर दे आर डेटा बेसिस, कुछ भी आपने टूल यूज किया, आपको वो जो डेटा नंबर की फॉर्म में मिला आपने उसको अपने पास उसको सेव करना स्टार्ट कर दिया। देन नंबर टू स्टेप विच इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक? दीज आर द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द समरी ऑफ स्टैट्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा इंक्लूडिंग मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड परसेंटाइल्स। अब ये सब जो है ये स्टैटिस्टिकल के साथ डील करती हैं। ऑब्वियसली बता चुके हैं कि न्यूमेरिकल डेटा है क्वांटिटेटिव के साथ डील कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टैटिस्टिक की फॉर्म में होंगी, नंबर्स की फॉर्म में होंगी। अब आपने जो डेटा को कलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू योर टूल, आपने उसको वो कोई एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लगाया। अब वो आपके पास मीन भी हो सकता है, वो मीडियन भी हो सकता है, वो मोड हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है, वो रेंज हो सकता है, या वो फिर परसेंटाइल्स हो सकती हैं। इसके अलावा वो एनोवा भी हो सकता है, टी टेस्ट हो सकता है, जी टेस्ट हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। अब यहाँ पे आपने अपने डेटा को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो आपने क्या किया कि उसको ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट किया। ग्राफ्स क्या हो सकते हैं? हिस्टोग्राम ग्राफ्स यूज़ किए जा सकते हैं, बार चार्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं, स्कैटर प्लॉट्स यूज़ किए जाते हैं या फिर बॉक्स प्लॉट्स यूज़ किए जाते हैं डेटा की डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। और ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपको बहुत हेल्प करती है। यू आर जस्ट गोइंग टू रीड इन वन जिस्ट। उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो इन्फेरेंस से जो है वो रिलेट करती है। कॉमन जो टेक्निक है वो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की या कॉन्फिडेंस के इंटरवल की रेग्रेशन एनालिसिस के लिए वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट है वो है टी टेस्ट है, काय स्क्वायर टेस्ट है, एनोवा है जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है।
देन रेग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन एनालिसिस जो है ये क्वांटिफाई करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स जो कि रेग्रेशन मॉडल्स से डील करते हैं। अब रेग्रेशन मॉडल्स भी बहुत तरह के हैं। नंबर वन इज लीनियर रेग्रेशन मॉडल, जिसमें आप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बेस कर रहा है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथ लिंक कर रहा है। कोरिलेशन एनालिसिस की, कोरिलेशन एनालिसिस क्या है कि ये जो दो डिफरेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके वेरिएबल कंटिन्यूस है नेचर तो आप पियर्सन कोरिलेशन मॉडल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके वेरिएबल्स ऑर्डिनल हैं या फिर नॉन पैरामेट्रिक डेटा है तो आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद है मल्टी वेरिएंट एनालिसिस। मल्टी वेरिएंट एनालिसिस क्या है कि आपने रिलेशनशिप देखना है मल्टीपल वेरिएबल्स के दरमियान साइमल्टेनियसली। वो टेक्निक्स या वो फैक्टर्स एनालिसिस या वो क्लस्टर एनालिसिस या वो कंपोनेंट्स जो आपने देखने हैं उनका अंडरलिंग पैटर्न लिंक क्या है आपने वो सेट करना है। देन आपने स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो कि पाइथन हो सकते हैं, जो ओएसपीएस हो सकता है, एसएएस हो सकता है एंड एसटीएटी हो सकता है, जो कि कैलकुलेट कर सकता है, रन कर सकता है एनालिसिस को, जनरेट कर सकता है रिपोर्ट्स को। देन आपने कर लिया इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। अब ये फाइनल स्टेप है। इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग क्या है, आपने सब कुछ कर लिया अपनी मर्जी का, आपने जो टेस्ट शेस्ट लगाना था वो लगा लिया। अब फाइनल स्टेज है जहाँ पे आपने क्या किया कि आपके पास जो रिजल्ट आगे आपके रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं आपने उन हिसाब से उनको फाइंडिंग्स, उसकी डिस्कशंस, उसकी लिमिटेशंस, उसके कंक्लूजन्स लिखने हैं और कंप्रहेंसिव रिपोर्ट लिखनी है, प्रेजेंटेशन बना लेनी है या विजुअलाइजेशन कर लेनी है। क्वांटिटेटिव डेटा के एनालिसिस को अगर मैं इन जनरल डिस्कस करूँ तो ये है कि ये ऑब्जेक्टिविटी है और बेस है और एबिलिटी है इसमें कि ये प्रिसाइज करता है और क्वांटिफाइबल करता है चीज़ों को। और इसके अलावा रिसर्चर जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, प्रेडिक्शंस बनाता है, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, इवन एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन बनाई जाती है। और ये वो आप कह सकते हैं कि रिसर्च की टाइप है जहाँ पे थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर कहा जाए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के एनालिसिस के दरमियान कौन सी रिसर्च सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज है तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है या क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो ज़्यादा इजी है कंडक्ट करना, बिकॉज उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं। आपने अपने डेटा को उसमें पुट किया, आपने अपने क्वेश्चनियर के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसको डाला और उनकी जो है वो रिसर्च की फाइंडिंग्स वगैरह डाल दी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आज सिर्फ दो यूनिट पीछे रह गए हमारे रिसर्च मेथड इन एजुकेशन के, और वो है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं और रिसर्च रिपोर्ट क्या है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह इन डिटेल आप आने वाली वीडियोस में और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा के ख्याल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।